आप प्रोबेशन ऑफिसर हैं जी सर। तो आप थ्रू आउट वर्दी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वर्दी में रहते हैं। वर्दी कब उतारते हैं? रात को सोते समय? नहीं सर, आवश्यकता पड़ती है तो कब उतारते आवश्यकता पड़ती है? हैं, बच्चों से पूछताछ करते हैं। हाँ, बच्चों से पूछताछ करते हैं बच्चों से पूछताछ करते हैं। कब करते हैं पूछताछ? तो किसी केस में आवश्यकता पड़ती है सर, किसी केस में जब आवश्यकता रहती है जब करते हैं। दो लोग हैं एक साथ, आप एक्चुअली मतलब दोनों। इसमें ये हुआ था कि रिपोर्ट प्रिपेयर आपने की, लेकिन आपको कोई अर्जेंट वर्क से जाना पड़ा तो सिग्नेचर आपके। इतना भयानक काम रहता आप लोगों के पास क्या कि सिग्नेचर करने के लिए टाइम नहीं रहता? रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की और दस्तखत दूसरा आदमी करे, तो उसका क्या औचित्य है? क्या मतलब? या तो फर्जी रिपोर्ट है इसलिए आपने साइन नहीं किए। नहीं है भाई साइन करना तो एक छोटा सा काम है, 1 सेकंड लगता है। साइन आपने क्यों नहीं किए थे? अर्जेंट काम आ गया आपको तो साइन करने में दिक्कत आ रही थी क्या? नहीं सर, वो तो रिपोर्ट जब बिल्कुल फर्जी बनाते हैं तो साइन करने के पहले 5 बार सोचना पड़ता है। अगर रिपोर्ट करेक्ट है। करेक्ट है तो आपने साइन क्यों नहीं किए? फिर इनने साइन क्यों किए? आपके पास उस फील्ड का अनुभव कम था क्या? आवाज आ रही मेरी? साइन किए या वो लिख नहीं पाते हैं? नहीं नहीं सर, देख पाते हैं आप लिख नहीं पाते हैं क्या? चले तो इनकी मदद क्यों लेते हैं? गए थे काम से। ऐसा कैसे हो जाता है? हम भी ऐसे क्या करेंगे, जजमेंट लिखवा दिया और दस्तखत नहीं करेंगे, चले जाया करेंगे, काम चलेगा क्या? तो आप दोनों खिलाफ एक्शन के लिए लिख दें। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, आगे के लिए नहीं, आज ही के लिए हमको चाहिए जवाब। आज वो बच्चा बंद है, उसके हमको प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट चाहिए जी थी। सर, एक तो आप यूनिफॉर्म में आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट, हमको मालूम नहीं कि जब आपने एज प्रोबेशन ऑफिसर काम किया तब भी आप वर्दी में थे कि साधारण यूनिफॉर्म में, साधारण ड्रेस में थे। उसके बाद आपने साइन किया, उसके नीचे नाम नहीं लिखा है। सिग्नेचर से हम नाम नहीं निकाल पाते हैं, नाम क्यों नहीं लिखते हैं सिग्नेचर के नीचे? आ जाइए इस वाले माइक में। कब से इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं? क्या डेजिग्नेशन है आपका? आराम से बोलिए, हम नुकसान नहीं करेंगे, पर हमको चाहिए कि रिपोर्ट सही आना चाहिए। आप क्या सेकेंडरी डेजिग्नेशन क्या है आपका? पास हूँ सर, हाँ, इस पद पर है। पद नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर सब मोहन सिंह यादव नाम है सर। पद नाम क्या है? पद नाम सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सर सब इंस्पेक्टर। और क्या है? मोहन सिंह यादव नाम है सर। मोहन सिंह यादव। बस जी सर, नाम नोट करिए। और पद बताइए ना जिस पद पे आप काम कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सर। सिर्फ सब इंस्पेक्टर हैं? हाँ सर, और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर हैं। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है आपको? इस पे दस्तखत किए ना आपने और आपने रिपोर्ट बनाई। आप दोनों ने ये पूरा प्रोफार्मा पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था आपने? जी सर, दिया था, तो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते होंगे आप। राइट का चिन्ह जब लगाने का होता है ना जी ऑप्शंस में जी से, सर, तो टिक कहाँ करते हैं, उस क्वेश्चन के पहले कि क्वेश्चन के बाद में? या तो कॉलम रहता है तो उसके स्क्वायर के अंदर करते हैं वेरी गुड। और अगर कॉलम नहीं दिया है तो? सर। जो स्टार्टिंग रहती है उसके ठीक ऊपर करते हैं ठीक ऊपर। जी सर। पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि इस डिब्बे का इस डिब्बे में दस्तखत कर दिया, इस डिब्बे का नहीं इस डिब्बे में राइट कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं जी सर। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर BA बीए किया जी है, सर। तो मेहनत से पास हुए थे पक्का? ये देखिए आपने जो सर रिपोर्ट वो बनाई इसमें तो हम समझ नहीं पा रहे आपने टिक किस में किया है, कॉपी लगी होगी उसमें। ठीक इसमें किया, टीवी देखना, अंतरंग खेल, पुस्तकें पढ़ना, अच्छा, ये राइट है तो सर। इसने पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी जी उसकी। सर। सर टीवी देखते हुए और फिल्में देखते हुए उसको आपने कब देखा? सर उसके माता पिता ने बताया था मुझे। उसके माता पिता ने जी सर, बताया, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा। अंतरंग खेल क्या होता है ये?
अंतरंग खेल सर, घर के अंदर। अच्छा, वीडियो गेम खेलना। जी सर। और बहिरंग खेल क्या होता है सर? बाहर खेलना। इन दोनों में से कब आपने उसको देखा था? जी सर, मैंने नहीं देखा बोल के। आपने नहीं देखा। जी सर। रिपोर्ट क्यों बनाई? सर माता पिता ने बताया था। माता पिता ने बताया। पुस्तकें पढ़ना, आज की डेट में तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता। पढ़ाई करता था सर। बहुत पढ़ता है? पढ़ाई करता था सर। स्टूडेंट पढ़ते हुए आपने देखा? नहीं नहीं देखा। थोड़ा मजा नहीं आ रहा आपके उत्तरों से। जी। बालक की शिक्षा का ब्यौरा 13 नंबर पे लिखा आपने। जी सर। कक्षा 10 से अधिक पढ़ाई की। हाँ, 10वीं पास। 10वीं पास थी। मार्कशीट वगैरह देखी थी क्या? सर नहीं देखी। नहीं देखी। लास्ट जो स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था कि सरकारी स्कूल था? सॉरी सर, मैंने मार्कशीट देखी थी। देखी थी, इसीलिए प्राइवेट ले किया था। प्राइवेट।